हमने ट्रायल बैलेंस देखी अब ट्रायल्स के बाद जो एडजस्टमेंट्स दी होती हैं उनको हम स्टडी करते हैं वो जो नोट्स आपने ट्रायल बैलेंस में देखे वन बाय वन हम उसको स्टडी करते हैं उसकी जो रिपोर्ट हैं वो मैं आपको बताते चाहूँगा नोट्स इसकी वर्किंग भी दी हुई है लेकिन यहाँ से एक्सप्लेन कर दूँ फिर वर्किंग देखेंगे इंक्लूड इन रेवेन्यूज ट मिलियन फॉर रिसीट दैट कंपनीज ऑडिटर्स एडवाइस आर नॉट कंपनी सेल्स ये कमीशन सेल्स हैं यानी आपने किसी के बिहाव पर सेल्स की है और आपको इस पर कमीशन मिलना था तो आप इसको रेवेन्यू में ट्रीट नहीं कर सकते क्योंकि आई एस फिफ्टीन क्लियर है कि अगर आप किसी एज एन एजेंट काम कर रहे हैं तो जो कमीशन आपको मिलेगा सिर्फ वो आपका इनकम है जो सेल या उसकी कॉस्ट है वो आपकी ना इनकम है और ना ही कॉस्ट है अब देखिए द कॉस्ट ऑफ दिस गुड्स पेड बाई सलमान इज एट मिलियन एंड थ्री मिलियन ऑफ द प्रॉफिट फोर मिलियन

फिफ्टीन की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक नंबर टू में देखें द बिल्डिंग हैज एन एस्टिमेट लाइफ ऑफ थर्टी ईयर्स वैन दैट आर बींग्रिशिएट ऑन स्टेट लाइन बेसिस इंपॉर्टेंट थिंग है कि इसकी लाइफ थर्टी ईयर्स है और मैथड जो आप यूज़ कर रहे हैं वो स्ट्रेट लाइन यूज़ कर रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सा मैथड यूज़ हो रहा है अब देखिए उसमें क्या था कि लैंड फोर्टी की थी सिक्सटी बिल्डिंग की है तो सिक्सटी को 30 से डिवाइड करें तो 2 मिलियन की डेप्रिसिएशन जो है बिल्डिंग पे चार्ज होगी लेकिन लैंड पे कुछ चार्ज नहीं होगा स्ट्रेट लाइन मेथड है आगे नंबर थ्री में देखें इंक्लूडेड इन द ट्रायल बैलेंस फिगर्स फॉर प्लांट एंड इक्विपमेंट इज़ अ प्लांट दैट हैड कॉस्ट 16 मिलियन जो प्लांट की फिगर है उसमें सिक्सटीन मिलियन जो है हैड एकुमोलेटेड डेप्रेस मिलियन और उसके अगेंस्ट जो डेप्रेस आज तक अकूमोलेट हो चुकी है वो सिक्स मिलियन की है फॉलोइंग रिव्यू ऑफ कंपनीज ऑपरेशन दी प्लांट वॉज मेड अवेलेबल फॉर सेल डिंग दर अब देखें आपने इस प्लांट को अलग करना है और इसको दिखाना है हेल्ड फॉर सेल के पॉइंट से यानी ये आपका फिर प्रॉपर्टी प्लांट का हिस्सा नहीं बनेगा बल्कि आप इसको हेल्ड फॉर सेल में ट्रांसफ़र करेंगे लेकिन ट्रांसफ़र करने से पहले मेक श्योर sure कि आप उसकी कैरिंग वैल्यू को ट्रांसफ़र करेंगे और इसमें जो एडजस्टमेंट अज़, आनी है डेप्रिसिएशन की वो रिकॉर्ड करना पड़ेगी नगोशिएशन विद द ब्रोकर हैज़ बिन कंक्लूडेड दैट रियलिस्टिक सेलिंग प्राइस ऑफ दिस प्लांट इज सेवन पॉइंट फाइव एंड द ब्रोकर विल चार्ज ए कमीशन ऑफ एट परसेंट अब देखें जैसे मैंने कहा ना कि उसको एडजस्ट करना पड़ेगा तो पहले तो आप उसकी डेप्रिसिएशन निकालें उस प्लांट की जो आप बाहर निकाल रहे हैं कि अब तक की डेप्रिसशन क्या है उसके बाद देखिए उसकी कैरिंग वैल्यू क्या है और इसकी सेल वैल्यू क्या है वो सेवन पॉइंट फाइव बता रहे हैं लेकिन इसमें से भी आपने कमीशन माइनस करना है तो आपकी इसमें इम्पेयरमेंट चांस है कि इम्पेयरमेंट हो जाए देखना पड़ेगा एडजस्टमेंट में जाकर द प्लांट हैड नॉट बीन सोल्ड फॉर द ईयर एंड इसका मतलब बैलेंस शीट में आएगा एंड प्लांट इज 20% ट्वेंटी परसेंट यूजिंग द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यानी जो प्लांट बच जाएगा बिजनेस यूज के लिए उस पर आपको रिड्यूसिंग बैलेंस पर चार्ज करना होगा यानी उसकी कॉस्ट दी गई है और उसकी इकोलेटी डेप्रेशन दी गई है तो वो माइनस करने के बाद जो उसकी कैरिंग वैल्यू बनेगी उस पर आपने फिर ट्वेंटी परसेंट डेप्रेशन चार्ज करना है एक्चुअली द इशू इज़ कि आपने इन एडजस्टमेंट्स को समझना है और अकॉर्डिंगली सोल्यूशन में ये आपको नजर आ जाएंगी डिवेलपमेंट एक्सपेंडिचर रिलेट्स टू दैपिटलाइज कॉस्ट ऑफ डिवेलपिंग ए प्रोडक्ट कॉल्ड फोनिक एक प्रोडक्ट आपने डिवेल्प करनी शुरू की है इट हैज़ ए औरजनल एस्टिमेट लाइफ ऑफ फाइव ईयरस तो टेक्निकली जो भी डिवेलपमेंट कॉस्ट होगी जो आपने कैपिटलाइज की है उसको पाँच सालों में आपने राइट ऑफ करना होगा प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ ऑनिक्स स्टार्टिड इन टू थाउजेंड टेन टू हम 2012 की बात कर रहे हैं तो 11 की डेप्रिसन चार्ज हो चुकी है ग्यारह यानी अक्टूबर से लेकर सेप्टेम्बर ग्यारह तक की चार्ज हो चुकी है तो इसका मतलब ये कि आपने इस साल की चार्ज करना है श्योड दैट द बिलो फोरकास्ट एंड एम्पियरमेंट टेस्ट कंक्लूडिड दैट द फेयर वैल्यू ऑफ द डिवेल्पमेंट कॉस्ट ऑन थर्टियस्ट सेप्टेम्बर टू थाउजेंड ट्वेल्व एटीन अब आपने हमने देखना कि एटीन हमारी कैरिंग वैल्यू क्या है आफ्टर टेकिंग आउट द डेप्रिसिएशन और अगर वो ज़्यादा है और ये कम है तो आपको इम्पेयरमेंट लॉस दिखाना पड़ेगा एक्सपेक्टेड फ्यूचर सेल्स वॉज ओनली फॉर फर्दर टू ईयर्स अच्छा उसके बाद जो बैलेंस बचेगा ना उसको आपने पाँच सालों में नहीं जाना फिर दो सालों में राइट ऑफ करना है क्योंकि तो ये चेंज आती है जब भी इम्पेयरमेंट लॉस होता है जब भी इम्पेयरमेंट टेस्ट होता है आपने कैरिंग वैल्यू लेके आनी है उसको कंपेयर करना है और फिर उसको जो बाकी बचेगा उसको रिमेनिंग यूजफुल लाइफ पर अमोटाइज करना है फिफ्थ में देखें द बैलेंस ऑन द इनकम स्टेटमेंट अकाउंट इज इंटराल बैलेंस इज द अंडर प्रोविजन इज रिस्पेक्ट ऑफ द इनकम टैक्स लाइबिलिटी फॉर द प्रीवियस ईयर दैट इज़ 2011 ये भी एक इशू है कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाते हैं हम तो टैक्स की जो प्रोविजन डालते हैं अपने हिसाब से डाल लेते हैं लेकिन एक्चुअल टैक्स जो बनता है वो उसमें कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ती है प्लस माइनस करने के बाद टैक्सेबल इनकम बनती है उस पर टैक्स कैलकुलेट होता है और वो हम पे करते हैं इसमें ये हुआ है कि आपने अंडर प्रोवाइड किया मसलन टैक्स आपका सौ रुपये बनता था आपने अस्सी प्रोवाइड किया तो वो जो बीस आपने एक्स्ट्रा पे किया है वो नज़र आएगा आपको कि ये आपको दिखाना पड़ेगा ये पेड हो चुका है और ये हमारे अकाउंट्स में नज़र आएगा उसके बाद है द डायरेक्ट एस्टिमेटेड दैट द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स फॉर द ईयर फोर मिलियन ये उसने बता दिया कि इस साल हमने प्रोविज़न करनी है चार साल चार मिलियन की तो इसको हम एडजस्टमेंट डालेंगे एंड द रिक्वायर्ड बैलेंस शीट प्रोविजन ऑफ द डिफर टैक्स थर्टियत को सेवनटीन पॉइंट सिक्स मिलियन तो बाकी का कहता है जी डेफर टैक्स जो है वो सेवनटीन पॉइंट सिक्स मिलियन जैसे मैंने कहा कि ये हमने प्रॉफिट से ही निकालना होता है और हम इनको प्रॉफिट ही में बैक करते हैं इसका ये नहीं है कि इसमें से कोई पेमेंट होती है नहीं एडजस्टमेंट्स ही है सिंपल अब रिक्वायरमेंट में देखें इनकम स्टेटमेंट है सिंपल आपकी बैलेंस शीट है और फिर चेंज इन इक्विटी स्टेटमेंट है चेंज इन इक्विटी स्टेटमेंट में कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं इसकी वजह ये है कि बिल्कुल छोटा सा सवाल था और फिर दूसरे बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें यानी सो शेयर कैपिटल है और शेयर प्रीमियम है और अपना प्रॉफिट्स हैं बस दैट्स ऑल और इसमें कोई और चीज़ है नहीं इसलिए ज़्यादा मुश्किल नहीं पड़ेगी आपको थैंक यू वेरी मच जी